हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी डायरीज। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए होंगे और साथ साथ में पार्टी और सेलिब्रेशन भी कर रहे होंगे। और आप सब लोगों का मुझे पूरी उम्मीद है करवा चौथ भी बहुत अच्छे से बीता होगा, क्योंकि दिवाली का टाइम है, 2-3 दिन ही बचे हैं दिवाली आने में, तो सब लोग तैयारी में जुटे हुए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर भी कर रहे हैं और डिनर के लिए भी बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको लेकर आए हैं गुड़गांव के सबसे मोस्ट हैपनिंग मार्केट, जो कि है सेक्टर 29 इफ्को चौक के पास, हुडा मेट्रो स्टेशन से पहले बाद में जो इफ्को चौक आता है उससे बिल्कुल पास में सेक्टर 29 में 29 की मार्केट। ये बहुत ही फेमस मार्केट है, खास करके यंगस्टर के लिए तो बहुत ही फेमस है, मोस्ट हैपनिंग प्लेस है, क्योंकि उनको यहाँ पे हर तरह का, चाहे वो रेस्टोरेंट में आना चाहे, चाहे वो डिस्को में आना चाहे, चाहे वो पब में आना चाहे, चाहे वो गेट टुगेदर करना चाहे, चाहे वो प्योर वेजिटेरियन फूड खाना चाहे, चाहे वो किसी भी तरह का गेट टुगेदर हो या पार्टी हो, मस्ती हो, कुछ भी हो, सेक्टर 29 की मार्केट बहुत ही मोस्ट हैपनिंग मार्केट है। तो दिवाली से पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर डिनर प्लान आउट कर सकते हैं, गेट टुगेदर प्लान आउट कर सकते हैं और मौज मस्ती के लिए भी बच्चों के साथ आ सकते हैं। तो पूरी मार्केट का वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको यहाँ पे क्या क्या करने को मिलेगा और मार्केट में कैसी हलचल है और दिवाली की डेकोरेशन कैसी है। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं तो मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, जैसे मार्केट में एंटर करते हो आपको बीकानेर वाला इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे जाएगी। इट्स वंडरफुल, दिवाली की डेकोरेशन देखिए कितनी सुंदर है, मतलब मन ही कर जाता है कि बस यहाँ पे आओ और सीधा सीधा फटाफट अंदर जाओ और कुछ ना कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग दिलचस्प खाओ। पूरी मार्केट की रौनक मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरी मार्केट देखो आप, बिल्कुल सजी हुई है। और ये अब से नहीं है, ये पूरे नवरात्रे, जैसे नवरात्रे शुरू होते हैं तब से ही मार्केट सजनी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सब्बे खाने को मिल जाए, सब्बे भी है यहाँ पे, मतलब सारी वैरायटी मैंने आपको बताया ना, दिस इज द मोस्ट हैपनिंग मार्केट इन गुड़गांव। सबको पता है इस मार्केट के बारे में, लेकिन जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। ये देखो पूरी मार्केट में कैसे रौनक लगी हुई है, देयर इज अ पंजाब ग्रिल, बहुत ही ऑथेंटिक अच्छा टेस्टी खाना यहाँ पे हर जगह मिलता है। सो दिस इज अ वंडरफुल डेकोरेशन, देखिए कितनी सुंदर है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग्स सारी जितनी भी मैं आपको दिखाऊं पूरी, और पूरी मार्केट खाने पीने की ही है एज सच, रेस्टोरेंट दिस इज नॉट द लाइक शॉपिंग के लिए ये चीज नहीं है, ये जो मार्केट है ये खाने पीने के लिए है, एक तरह का ये ईटिंग और फूड हब है यहाँ का सेक्टर 29। यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए कुछ नहीं मिलेगा, बट दिस इज द ओनली ईटिंग हब, जो जिनको सिर्फ जो फूडीज है, गुड़गांव फूडीज है, वो यहाँ पे आते हैं। ये देखिए बोला सिजलर, इसके सिजलर अगर आप खाओगे तो इट्स यम यमी। देयर इज अ वेयर हाउस कैफे, 21 शॉट्स, देखो बिल्डिंग कितनी सजी हुई हैं। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे बहुत सारे मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स, पब, डिस्को आपको देखने को मिलेंगे और एक से बढ़कर एक है इसमें। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कौन सा ज़्यादा बढ़िया है या कम है, कोई कंपैरिजन नहीं यहाँ का। यहाँ पे आपको कहीं पे भी आप चले जाओ खाने पीने के लिए, किसी भी रेस्टोरेंट में आप एंटर कर जाओ, सब बढ़िया ही बढ़िया है, सबका खाना आपको अच्छा लगेगा। एक बार मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देती हूँ पूरी मार्केट का। देखिए लेजर लाइट्स के भी शॉट्स चल रहे हैं दिवाली के लिए, और दूर तक देखो पूरी मार्केट जगमगा रही है। ये देखो इसके लाइट्स, देखो पूरी सड़क को भी डेकोरेट किया गया है, इट्स रियली नाइस, लाइटिंग इतनी सुंदर है, बहुत प्यारी है। चलिए थोड़ा सा और आगे दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। ये देखिए इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक सजी हुई है, दिस इज ज़ोरो टॉय बॉक्स, कितनी सुंदर लाइटिंग है, वंडरफुल, इट्स अ बिग ह्यूज बिल्डिंग और बिल्कुल लाइट फॉल हो रही है एकदम से, बहुत अच्छी लग रही है। और ये मार्केट ऐसे कि सिर्फ दिवाली के लिए नहीं इतनी सजती, ये दिवाली के आगे पीछे पर पूरा साल यहाँ पे ऐसी रौनक रहती है। हाँ लाइटिंग थोड़ी सी एक्सेप्शनल हो जाती है इस मार्केट में दिवाली के टाइम पे, बट अदरवाइज ये मोस्ट हैपनिंग मार्केट है जो पूरा साल ही ऐसे रहती है, ऐसा नहीं कि कोई खास दिन पे ऐसी होगी, पूरा साल ऐसी ही रहती है। और देखो बहुत सुंदर है हर जगह पे। चलिए मैं आगे आपको और दिखाती हूँ।
मैं रोड क्रॉस करके इस साइड आई हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वैल्यू होम्स। आप अपने होम का, होम डेकोर का कुछ सामान लेना चाहे तो ले सकते हैं। देर आर फ्यू शॉप्स और शोरूम्स फ्रॉम वेयर यू कैन बाय समथिंग डेकोरेटिव आइटम्स। सी वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मैं ऐसा लग रहा है कि हम बाहर के किसी कंट्री में आ गए, इंटरनेशनल घूम रहे हैं। इतनी सुंदर लाइटिंग है। इज अ ट्रेन रेस्टोरेंट, ये इसका पूरी शेप आई थिंक अंदर का जो इंटीरियर है वो ट्रेन की तरह बना हुआ है। देयर इज अ वॉकिंग स्ट्रीट, इट्स ब्यूटीफुल। गानों की आवाजें बाहर तक आ रही है। डिस्को जो देखो लाइन भी लगी हुई है। देयर इज अ फैब इंडिया, देयर इज अ, मैं आपको पूरी मार्केट देखो दूर से, लाइटिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसा माहौल बनाया गया कि बस दिवाली का सेलिब्रेशन यहीं पे है। आप देख रहे हो लाइटिंग कितनी सुंदर लग रही है, अमेजिंग। जिसको भी गेट टुगेदर करना हो इस मार्केट में एक बार तो जरूर आओ, और खास करके अगर आप दिवाली पे आते हो। इट्स प्रीटी अमेजिंग, क्योंकि ये लाइटिंग पूरा साल नहीं रहती। नो डाउट मार्केट पूरा साल ऐसे ही भरी आपको मिलेगी, लेकिन ये जो लाइटिंग है, स्पेशल इफेक्ट दिए गए, ये आपको दिवाली के टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो एक बार डिनर करने यहाँ पे जरूर आओ। सी देयर्स अ गुड फैलस पम्प, बाहर से देखने में इतना सुंदर लग रहा है। देयर्स अ फैक्ट्री आउटलेट एंड फ्रेशली, कितना सुंदर है। स्ट्राइड्स, आप पूरी मार्केट की रौनक देखो दिवाली की, कितनी सुंदर है। अड्डा, अड्डा नाम से रेस्टोरेंट है, बहुत सुंदर है। पास से देखते हैं कैसा लग रहा है। लेट्स सी, इट्स ब्यूटीफुल। दिवाली की रौनक देखने को मिलती है, और खाने पीने के लिए तो बस सपोज अगर देखा जाएगा तो लाइटिंग देखे कितनी सुंदर है। और ये सारे ही डिस्को, पब, रेस्टोरेंट सब कुछ ही है इनमें। सारी ऑप्शंस मिलती हैं आपको, वेजिटेरियन वालों के लिए भी है, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए भी ये मार्केट है, ड्रिंक करने वालों के लिए भी ये मार्केट है, गेट टुगेदर करने वालों के लिए भी है, और बच्चों के लिए भी है। क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे होती है। कभी कभी यहाँ पे कैमल राइड्स होती है, कभी कभी यहाँ पे हॉर्स राइड होती है, और कुछ बलून्स ये मिल जाते हैं यहाँ पे बैठे हुए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए। कभी कभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो किड्स के लिए कार्स होती हैं उसकी राइड भी यहाँ पे होती है। ये देखिए बलून्स वाले भी मिल जाएंगे बच्चों के लिए। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन दिस मार्केट विच यू कैन एक्सप्लोर। ये देखिए कितना सुंदर, ये लाइटिंग तो रात को ही देखने में मजा है, कितनी सुंदर, अमेजिंग। अब मैं थोड़ा सा मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच आ गई हूँ, तो मैं आपको पूरे एक बार 360 डिग्री दिखा देती हूँ। सो दिस इज द मोस्ट हैपनिंग थिंग ड्यूरिंग दिवाली। आप देख रहे हो लाइटिंग हो रही है सब कुछ। ये देखो, दिस इज द लॉस्ट लेमन्स मैजिक पिन, लॉस्ट लेमन्स स्पा टाइम भी है, गंग द पैलेस, फ्रिक्शन, द शोक ब्रूवरी, बडवाइजर, ड्यूटी फ्री गुरुग्राम, ये भी देयर इज समथिंग व्हिच इज रिटन ड्यूटी फ्री दिल्ली गुड़गांव नोएडा वेगस। अरे वाह, ऐसा भी कुछ है यहाँ पे। डैडी ऑफ टेस्ट रेस्टोरेंट, ये देखिए आई फाइंड समथिंग व्हिच इज लाइक ढाबा 29। ढाबा नाम लिखा हुआ है तो फिर थोड़ा सा ढाबे जैसा खाना यहाँ पे मिलेगा। रास्ता देखो कितना सुंदर बना हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर। ढाबा 29 ढाबे वाली फीलिंग आएगी, वो भी लग्जरी में। ये देखो शुक, कितना सुंदर रास्ता, इतना सुंदर बना रखा हुआ एंट्री का, मन करे कि हाँ बस चलो। सीरियसली हैपनिंग, देख के कुछ हैपनिंग सा लगता है। आप देख रहे हो डाउनटाउन यहाँ का बहुत ही फेमस है, एंड दिस इज अ क्वाइट oldest bar club restaurant in this market। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हमने भी ट्राई किया हुआ है। सो डाउनटाउन का जो रिव्यूज है बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। 21 गन सलूट के भी अच्छे हैं, मतलब सबके ही अच्छे हैं, बट कुछ ऐसे जो कि बहुत पुराने हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे हैं जो अभी 2-3 साल पहले ही यहाँ पे अभी नए नए खुले हुए हैं, बट डाउनटाउन इज द क्वाइट गुड। There's a Domino's, there's a MACD, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं ये चीज़ें, तो वो भी है यहाँ पे।
देयर इज अ डी कोड, अगर आपको खाना डी कोड करना है तो लोगों ने नाम भी ऐसे ऐसे रखे हुए, खाना डी कोड कर लो यहाँ पे आके कि इनका खाना कैसा है। देखो जैसे बीकानेर ओम स्वीट को दे दे के हीरा स्वीट भी यहाँ पे खुल गया, ये पहले नहीं था लेकिन आई थिंक लेटेस्ट ही कुछ अच्छा सा ये बना है, सो दिस इज ऑल्सो लुक्स गुड। यहाँ पे देखो इस मार्केट में तो सब कुछ ही अच्छा आपको मिलेगा, आप कोई भी चीज़ ट्राई कर सकते हो, और एक बार आओगे तो आप हर दिवाली पे हर फंक्शन पे यहाँ पे आना पसंद करोगे, सेलिब्रेट करना पसंद करोगे। सो दिस इज द मोस्ट ऑफ द मार्केट, दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, कैमल राइड, हॉर्स राइड, यही मैं कह रही थी कि यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी राइड्स होती हैं। अब ये थोड़ा कम है बच्चे तो इसलिए ये बैठे हुए आराम कर रहे हैं, कैमल राइड है और हॉर्स राइड भी है। चलो इनसे पूछते हैं इसका क्या क्या रेट है। भैया इसकी राइड का क्या रेट है? 100 रुपीज। कितनी देर करते हो? ये पूरे मार्केट का एक राउंड, चाहे ये घोड़े की सवारी ले लो। ये बच्चे डरते तो नहीं ऐसे? सेफ्टी है। अच्छा ये पूरा फ्रेम बना हुआ है, सेफ है ना, इसके बीच में बिठा लेते हो। चलो बढ़िया फ्रेंड्स, ये कैमल राइड हॉर्स राइड 100 रुपीज पर राउंड है, कभी भी आ सकते हो पूरे मार्केट का। पर पर्सन? हाँ, पर एक बच्चे का एक राउंड लगवाते हो, वही कहने का मतलब है कि एक बच्चा एक पर्सन एक राउंड लगेगा यहाँ पे पूरी मार्केट में। ये पूरी मार्केट है, ये तो पूरी मार्केट। ओ वाओ, दिवाली की डेकोरेशन हीरा स्वीट्स के नीचे। अच्छा ये इनकी खुद की डेकोरेशन की हुई है, इट्स ब्यूटीफुल। देखो इट्स ब्यूटीफुल। पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, पार्किंग बहुत बड़ी स्पेस है। मैं जहाँ पे पूरा घूम रही हूँ, दिस इज द होल पार्किंग स्पेस, यहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी है, तो पार्किंग अवेलेबल रहती है यहाँ पे। जितनी मर्जी भीड़ हो गाड़ियाँ आती रहती है निकलती रहती हैं, सो आप यहाँ पे जरूर आइएगा। मैंने आपको पूरी मार्केट घूम के अच्छे से दिखा दी है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा है और थोड़ा यूजफुल लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। और आप सबको अभी से ही दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ 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 मेरा 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो पूरा करने में इस दिवाली तक मेरी मदद कीजिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाइए। अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो के लिए, और कोई अच्छी सी नई मार्केट भी एक्सप्लोर करते कि दिवाली पे और कहाँ पे घूमा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगी एम्बियंस मॉल, बहुत अच्छी भगवान श्री राम जी की वहाँ पे थीम लगी हुई है दिवाली स्पेसिफिक, तो अपने बच्चों को भी वहाँ पे जरूर लेके जाइएगा और वहाँ पे घुमाइएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए एम्बियंस मॉल। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।